स्वास्थ्य, सड़क, पानी, शिक्षा, बिजली, रोजगार देने के नाम पर सत्ता में बैठी पार्टियां सत्ता सुख में इतना तल्लीन हैं कि अपने किए गए वादों की तरफ ध्यान देने का समय नहीं है। हालांकि एक वर्ष बाद पुनः यही जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचेंगे और फिर इन्हीं वादों को दोहराकर वोट मांगेंगे। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के देवतालाब की, जहां धार्मिक नगरी से वर्तमान विधायक गिरीश गौतम हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, जिनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए जमकर विभिन्न मदों से फंड उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते क्षेत्र में आज भी विद्यालयों के पहुंच मार्ग कीचड़ से सने हुए हैं। उक्त दृश्य आप सोन बरसा प्राथमिक पाठशाला का देख रहे हैं, जहां घुटने से अधिक कीचड़ में तैरते हुए बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं, जिन्हें हमेशा जहरीले कीड़ों के काटने का भय बना रहता है। सुगम रास्ता ना होने के चलते विद्यालय में छात्रों की संख्या भी नगण्य होती जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव उक्त मार्ग की राशि हजम कर चुके हैं, जिसके चलते यह हालत बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं विद्यालय पहुँच मार्ग और सुनाते हैं स्थानीय लोगों का क्या कहना है। के लिए नौकर कर दी, तब वह अपने दिपाव से खा दी थी, तब एक बार वोट पड़ी और फिर जमीन में लाठी चल गई। कलेक्टर से एप्लीकेशन देंगे, हमारा एप्लीकेशन जाएगा। हाँ, तब कलेक्टर मंजूर कर दी, तो पटवारी ऑटोमेटिक काट गई। अच्छा, हाँ पाँच फुट दस फुट का रास्ता चलो अंदर अंदर चलो अंदर। बजट नहीं आया। कोई बजट नहीं मिला, स्कूल की ऊपर की बिल्डिंग टूटी हुई है, सारा पानी आता है सीधे क्लास के अंदर जाता है, फिर क्लास के बच्चे खड़े रहते हैं, भींगते रहते हैं, फिर उनको मुझे जबरदस्ती इनकी छुट्टी करनी पड़ती है। क्या करें, भींगते हुए तो बैठा नहीं सकते, फीवर आ जाएगा, बुखार आ जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। हाँ, तो पूरा पानी यहाँ से अभी बारिश होगी, पूरा पानी यहाँ से नीचे आएगा, नीचे से पूरा क्लास के अंदर जाएगा। बस समस्या यही है, जिस दिन बारिश होती है उस दिन छुट्टी करनी पड़ती है जी। क्या करें, हाँ ये स्कूल ये जो लगे हैं अपने बजट से करवाया, ये से नल विभाग वाले आए थे, बेसिन वगैरह लगा के गए, तो ये डर था कि चोरी हो सकता है, तो फिर ये सब मैंने अपने पैसे से लगवाया, और फिर झाड़ू हो गया, डस्टर हो गया, सब तो हो गया, जो भी सामान सामग्री आती रहती है हमारे बजट से, हाल अपने खर्चे से कर रही हूँ। पिछले बार तो मेरा बिल लैप्स हो गया था, कहा कि बिल लेट जमा किया गया है इस बार, इसलिए बिल लैप्स हो गया मेरा, और इस बार तो अभी तक कोई खबर ही नहीं है, मेरा अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ है अभी, मेरा अकाउंट ही परिवर्तन, खाता परिवर्तन नहीं हुआ जी। जिन जो टीचर पहले थे उन्हीं का खाता भी चालू है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि मेरा खाता ओपन हुआ है कि नहीं, जी ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक। ये देवतालाब विधानसभा का मुख्यालय देवतालाब की चौका सुनबरसा की प्राथमिक पाठशाला की रास्ता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पहली से लेकर पाँचवीं तक विद्यार्थी इसी रास्ते से रोज आते जाते हैं जी। कोई रास्ता नहीं है, पिछले साल 40 लड़के थे, इस साल घट के 23 हो गए हैं, और लगता है कि स्कूल भी बंद हो जाएगी, लेकिन विद्यार्थियों की इतनी समस्या हो रही है, आप स्वयं देख सकते हैं कि जब हमारे लेवल में गुटवा भर पानी है तो बच्चे कितने डूब सकते हैं। यहाँ बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का सरपंच, जनपद, जिला, विधानसभा अध्यक्ष सब देवतालाब के ही हैं, लेकिन हालात आप देख सकते हैं, जो देवतला मुख्यालय की प्राथमिक पाठशाला है। आइए आपको हम स्कूल भी दिखाते हैं जी।